हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए कितनी प्यारी स्वीट से ये पर्ल प्याज है, यानी छोटी वाली प्याज है। इसका मैं बनाने वाली हूँ सिरका वाली प्याज। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स लगे गाइस, और बहुत ही अच्छे तरीके से बन गए और बहुत ही टेस्टी बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और इस गर्मी में अपने आप को सेफ रखिए। ये सिरका प्याज खाकर घर में बनाइए शुद्ध अच्छे तरीके से। और चलिए, मैंने यहाँ पर ले लिया ये छोटी वाली प्याज। आपको पता है तमिलनाडु में मैं रह रही, तो इसको बोलते हैं चिन्ना वगैरह। जनरली ये लोग यूज़ करते हैं सांभर में डालने के लिए। तो चलिए, ले लिया मैंने, इनको पील कर लिया। पील करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है गाइस, तो इसलिए मेरी थोड़ी ये मुरझा गई हैं। और देन उसके बाद मैंने थोड़े से बीट रूट डाल दिए, थोड़ा मैंने ग्रीन चिली, थोड़ी सूख गई है मेरी, आप अच्छी फ्रेश वाले लीजिएगा। मैंने शुगर डाल दिया है और सॉल्ट डाल दिया। इंग्रेडिएंट्स सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप मेजरमेंट चेक कर सकते हो। थोड़ा यहाँ विनेगर ले रही हूँ मैं, आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ मैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम बना रही हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो देखती हूँ कैसा बनता है। और फिर मैंने यहाँ पर डेढ़ कटोरी करीबन पानी लिया हुआ है, और मस्त इसको मिला लेंगे हम अच्छी तरह से, इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। आप चाहो तो पिसी हुई शक्कर भी ले सकते हो, मैंने नहीं लिया, मैंने तो सिंपल अपनी शुगर ली है। थोड़ा इसको डिज़ोल्व करते हैं, चम्मच से यहाँ वहाँ हिला लेते हैं मस्त से इसको। अभी देखिए बीटरूट का कलर स्टार्ट हो गया है निकलना। और अभी तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही गाइस, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन भी दे सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को। तो चलिए, इसको रख देते हैं 8 से 9 घंटे के लिए साइड में। तो मैंने रात पे बनाया था, तो ओवरनाइट मैंने छोड़ दिया इसको। दिखाती हूँ आपको कैसा, वाओ क्या कलर आया, देखिए परफेक्ट बीटरूट का कलर पूरा चढ़ चुका है हमारे पनियन के ऊपर, और बहुत ही सुंदर दिख रही है छोटी छोटी प्याज, और खाने में भी बहुत टेस्टी है गाइस, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ट्रांसफ़र कर लेते इसको हम ग्लास बॉटल पे। ग्लास बॉटल ही यूज़ करिएगा, आपको यही सजेस्ट करूँगी। और मेरे पास तो फ्रिज नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही कम क्वांटिटी बना रही हूँ। बिना फ्रिज के भी गाइस आप इसको 1 वीक रख सकते हो, फ्रिज में आप 15 दिन रख सकते हो, पता नहीं कितना रख सकते हो, ट्राई कीजिएगा। और चलिए रखते हैं इसको। खाना चाहें तो आप अभी अभी खा सकते हो, इसमें हल्का सा खट्टापन आ चुका है, सिरके का चढ़ गया है, पर मैं सजेस्ट करूँगी इसको 2-3 दिन आप रख दीजिए, फिर इसको यूज़ करिए। इसको पूरा मुंह से फिल करना होता है, पर मैं विनेगर वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सेव कर लिया अपने विनेगर को, पर बनी बहुत टेस्टी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।